मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गुरुवार को हुए आतंकी हमलों में हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए। इस हमले की निंदा करते हुए 16 फरवरी शनिवार को मुमरा कौसा बंद का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में 42 जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद सरकार एक्शन में आई और पूरे देश की जनता आतंकियों की इस कायराना हरकत पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध करते हुए कल मुमरा कौसा बंद का ऐलान किया गया है। ये ऐलान एनसीपी की तरफ से किया गया है। कल हमारे देश कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, उस हमले में हमारे देश के 44 नौजवान शहीद हो गए। उनको मैं दिल से सलाम करता हूँ। उन शहीदों के परिवार के साथ देश का एक एक बच्चा खड़ा है। पाकिस्तान की नापाक साजिश हमारे नौजवान कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को हमारे नौजवान मुंहतोड़ जवाब देंगे। आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा इनके परिवार के साथ में खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ देश का एक एक विपक्ष, देश का एक एक नागरिक उनके साथ खड़ा है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर से हम ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हम कल हमारा मुमरा कौसा शहर बंद करके ये संदेश दें कि मुमरा का एक एक बच्चा इस जो घटना हुई है उसके साथ खड़ा है, उनके दुख में खड़ा है। इस तरीके से कल हम आपके प्रहार टाइम्स के माध्यम से हमारे मुमरा कौसा की आवाम से यह हम अपील करते हैं, मुअद्दबाना अपील करते हैं कि कल आप अपनी दुकानों को बंद करके, कल आप मुमरा शहर को बंद करके आप ये मैसेज दें, पाकिस्तान की नापाक साजिश को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हम ये उम्मीद करेंगे कि कल हमारा ये मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान के उस नापाक साजिशों के तहत कि हिंदुस्तान का एक एक शहरी उनके परिवार के साथ खड़ा है, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उनके साथ खड़ा है, मुमरा कौसा की आवाम उनके परिवार के साथ खड़ी है। कल इस तरीके का संदेश हमें देना होगा। आइए हम सब मिल करके मुमरा कौसा शहर को बंद करके उनके परिवार के साथ में जो उनको दुख हुआ है उनके दुख में हम भी शामिल हो जाएं कि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को हमारे देश के सिपाही कभी कामयाब नहीं होने देंगे। जय हिंद। जहां इस हमले के बाद देश इन जाबाज शहीदों को नमन कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ देश भर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।